लोग भाई आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि नवी गाड़ी में आज का आपका भाई ब्लॉग कर रहा है। सो ये देखो इंटीरियर खुलासा है। ये कल मैंने इंटीरियर दिखाया नहीं, आज आपको पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा अपनी नवी गाड़ी का, कैसा इंटीरियर है। और बाकी यार नवी गाड़ी में फील ही कुछ अलग आ रही है। ये चेक करो, पीछे से पूरे सीट कवर्स अभी लगाने हैं। बाकी ऐसा लिफाफा ऐसे बढ़िया लग रहा है फिलहाल। अभी नंबर प्लेट भी आई नहीं, नंबर प्लेट भी एक दो दिन में आ जाएगी। बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए यार, बाल भी कटिंग करानी है। और क्या फील आ रहा अपनी नवी गाड़ी में बैठ के। बाकी आपको फंक्शन थोड़े बहुत दिखाते हैं अपनी नवी गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है। इंटीरियर का व्यू कुछ ऐसा अपनी गाड़ी का। ये देखो डिजिटल अपना वो है, क्या बोलते हैं, मीटर डिजिटल है। ये चेक करो गाइस, ये देखो, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा इसका डिजिटल मीटर। जैसे सब कुछ शो करता है, पेट्रोल मैंने फुल कराया था, CNG भी फुल कराए थे, बट CNG भी शो नहीं कर रही है। वो इंडिकेशन इसका सीट बेल्ट का आगे और पीछे की साइड, इसका पीछे की साइड भी दोनों सीट बेल्ट है ये देखो, और आगे की साइड भी दोनों सीट बेल्ट है। ये इसका बेनिफिट मेरे को लगा। और भी बाकी बहुत सारे फंक्शन है जो कि अभी मेरे को पता नहीं, जैसे जैसे मेरे को पता लगेगा वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। और ये चेक करो भयंकर, 105 किलोमीटर चल गई अपनी गाड़ी। जब से ली है तब से मैंने 105 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला दी है। सीट आगे करता हूँ। और जो मेरे को इस गाड़ी के साथ मिला ना, मेरे को एक चीज़ ये मिले मेरे को परफ्यूम, जो कि मेरे को लगता नहीं है इसका कोई यूज़ है, क्योंकि यार ये परफ्यूम ना वैसे देते हैं, ना इसका स्मेल आ रही है ना कुछ आ रही है। देखो कोई काम का परफ्यूम नहीं है। सो इसको साइड में रखता हूँ यहाँ पर पहले तो। और दूसरी बात है, ये तो मैंने पवन से ले लिया था चार्जिंग वाला, चार्जिंग केबल ये एक बहुत काम की है। और सेकंड थिंग, ये इसका एसी का है और ये एसी विंड है इसके, ये देखो। और ये पार्किंग लाइट है, ये पार्किंग लाइट। और बाकी ये CNG का है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये मेरी CNG प्लस पेट्रोल है हाइब्रिड, तो ये CNG का ऑप्शन है। अगर आपको जैसे कि ये अभी CNG में बटन दबाए हो, ये CNG में, ये CNG ऑफ होगी। ये देखो ये यहाँ पे इंडिकेशन शो करेगा, अभी देखो CNG शो नहीं कर रहा ना वहाँ पे। और जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा वैसे CNG का ऑप्शन शो करेगा, वो चेक करो, वो CNG का ऑप्शन इसने शो कर दिया। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। और एक चीज़ और है इसकी बढ़िया लगी, वो कि ऑटोमेटिक ये ना पेट्रोल पर स्विच हो जाती है, जब CNG इसकी ख़त्म होगी ऑटोमेटिक ये पेट्रोल पर स्विच हो ही जाएगी। बाकी इंटीरियर कुछ ऐसा है। ये ट्विटर है लगे, एक इस साइड ट्विटर लगा है, एक इस साइड लगा है ट्विटर। बाकी स्पीकर वो रे, एक वो है, एक ये मेरी साइड है स्पीकर, और पीछे की साइड भी स्पीकर है, बट पीछे के ये देखो ये चलते नहीं है। लेकिन स्पीकर ना इतने प्यारे स्पीकर है, हारमन के लगे हैं ये देखो, हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है हारमन का। हारमन की जो क्वालिटी है ना भाई, A1 है म्यूजिक की क्वालिटी। क्या बेस आ रही है यार, फील अलग ही आ रही है हारमन की। और गाड़ी यार एक तो इसमें ये टिल और टेलीस्कोप बोलते हैं, बट ये देखो इसमें, ये देखो ये नीचे करते हो जाए, ये नीचे करती है, मैंने ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये पता नहीं शायद टिल बोल रहे हैं, टिल्ट बोलते हैं उसको, या टेलीस्कोप शायद आगे को वाले को बोलते हैं, मेरे को उतना पता नहीं है। बट ये अपने हाइट के हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इतना ही एडजस्ट करके रख लेता हूँ, इतना बहुत है। बाकी तो यार गाड़ी चलने में यार क्या मक्खन की तरह चलती है। वैसे मैंने भगाई नहीं जा रहा, 60-70 पे चलाया हूँ, लेकिन फील आती है भाई, ऐसे लगती है हैवी कोई गाड़ी चला रहा हूँ। इसका स्टेयरिंग कितना बढ़िया, बट इसमें ये नहीं है कि बटन इसमें दिए नहीं है कंट्रोल्स। और इसका ये बी कट देखो, ये बी कट क्या मस्त है यार, टाटा का लोगो। बाकी और पावर विंडो है चारों, 1, 2, 3, 4 कंट्रोल मेरे पास है, ये चाइल्ड लॉक है ठीक है, और पावर विंडो वो रहे। बाकी कंट्रोल तो मेरे पास ही है सारे, बाकी ये देखो सेंटर लॉकिंग, और क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक ये मिरर, ये रहा एडजस्ट, ये राइट का, अभी राइट की साइड है ये लेफ्ट, ये देखो राइट की साइड करूँगा, ये देखो ऑटोमेटिक है, ये इंटीरियर है। बस वो मैनुअली करना पड़ता है, जो इसको शीशा अंदर की साइड है वो मैनुअली है, ये चीज़ है। बाकी तो बहुत बढ़िया फंक्शन है। और ये क्या हक दिया भयंकर की, ये तो मैंने अभी देखा यार, अबे यार नवी गाड़ी में हक दिया। सवेरे सवेरे मैंने टाइम लगा के गाड़ी को पूरा अच्छी तरह वॉश किया था, कोई बात नहीं। लेकिन यार जो साउंड क्वालिटी है ना, वो भाई A1 है साउंड क्वालिटी। तो मैंने एक बाइक ये खड़ी कर दिया, एक बाइक वो अपनी खड़ी है, दोनों बाइक, वो भी नंबर प्लेट उसका देखो क्या लग गया, मस्त लग रहा है नंबर प्लेट लगा के, बाकी ठीक। सो हे गाइस, फाइनली निकल गया मैं घर से एजेंसी के लिए, और अभी चलते हैं एजेंसी में काम कुम कराते हैं, जो भी इसके एसेसरी वगैरह वो लगवाते हैं, फिर चलते हैं बैंकर। एक तो ट्रैफिक यहाँ पे इतना हो जाता ना, पता नहीं क्यों रोका है इसने, क्या हो गया भाई इसको यार, जा के नहीं रहा आगे इसकी, मेरे को लगता है गाड़ी बंद होगी। अल्टो है चार पुरानी, पता नहीं कितने साल पुरानी गाड़ी है शायद, ऐसे बोलना तो नहीं कि ऐसे। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से, इतना ट्रैफिक होता ना गए मार्केट में, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम के टाइम। तो फिलहाल अभी चलते हैं एजेंसी आराम से, 2 दिन पार्ट है वो लगवाते हैं, उसके बाद फ्री होके फिर मिलता हूँ आपको। सो गाइस फिलहाल अभी हम एजेंसी जाके आ गए शोरूम से, वो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या सीन हुआ। और अभी मोहित के घर जा रहे हैं, और यहाँ पे देखो भयंकर की ऑफ रोडिंग चल रही है अपनी यार। मोहित के घर में जब इस साइड वाली रोड है ना, ये सारी ऑफ रोडिंग वाली रोड है ये देखो। फिलहाल अभी मोहित के घर चलते हैं,
ये अगले 10 साल तक पता नहीं कब बनेगी, ये खुद मेरे को भी नहीं पता। भयंकर की पूरी गाड़ी हिल जाती है यहाँ पे आके। और अभी फिलहाल अभी अपन ने जाना है मैट मोट लगाने गाड़ी के, थोड़ा काम कराने बाहर से, वो काम कराने। आधे घंटे बाद ये आया भयंकर की, तब से आधा घंटा हो गया हम के खड़े हुए, तब से हम यहाँ पे गाड़ी लगा के खड़े हैं, आधे घंटे बाद ये अब आ रहा है। अब इसको लेके गाइस, तो मैंने दोनों गाड़ी पास में लगा दिए, अपनी एस्टर भी और अपनी टाटा टियागो, क्या मस्त लग रही है दोनों यार। ओके रिपोर्ट फिलहाल थंबनेल के लिए मैं सोच रहा हूँ फोटो क्लिक कर लो। इस नाली ने लाइट लगा दी यार, ये वाली लाइट जो लाइट है ये मैं भी लगाऊंगा इसमें ताकि और मस्त लगे। बाकी ये चेक करो क्या मस्त लग रही है दोनों। गाइस फिलहाल अभी घर से निकल गए, सामने सारे आगे ये देखो पीछे का, और अभी चलते हैं यहाँ पे मैट लगवाने गाड़ी का, जो मैंने बोला था काम काज करवा के आते हैं। लेकिन यार आते ही भयंकर के यहाँ ट्रैफिक मिल गया पुलिस कॉलोनी के पास, और भाई रुके मैं क्या ही कर सकते हैं अभी फिलहाल। अभी यार फाइनली अपन आ गए इधर मॉडल टाउन, सीट का प्रवान है गाड़ी का। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम बैट बॉल का सामान लेने 360। लास्ट टाइम अपन जहाँ से बैट लेके आए थे वहीं जा रहे हैं। क्या ले बैट लेना है नवा? अच्छा ओके गाइस, फिर बैट लेना अभी फिलहाल। यहाँ दुकानें देखो भयंकर कितनी सारी है, तो देखते हैं अभी सीट कवर भी पाना या मैट को आना, देखते हैं गाड़ी का क्या क्या। बैट लेने नहीं जा रहे भाई, हम लोग जा रहे हैं वेपन लेने के लिए। नहीं गाइस बैट लेने जा रहे हैं मस्त सा। तो आएगा 360। ये कौन सा बैट है, कौन सी कंपनी का? ये एसएस का मस्त बैट है, फिल आ रहा पकड़ने में। चेक कर रहा बैलेंस। अच्छा फिलहाल चेक कर रहा है यार। वो जो हमने एक बैट एक बॉल लिया, एक बस एक ही बैट लिया हमने, एक बैट एक बॉल लिया फाइनली। क्या बोल रहा है? हवा कम लग रही है इसमें। नहीं नहीं हवा कहाँ कम है, चेक करा लेंगे कोई नहीं। वैसे तो वो है यार, वो लोड एक साइड से ऊपर है ना, इसी कर कर लगा हुआ। बाकी ठीक है, सो गाइस फिलहाल बैट ले लिया, अभी नॉकिंग कराने को दिया मैं, तब तक चलते अपन टुक टुक। चलो भाई चले, सीट कवर उधर पड़ रहा था, तब तक हमने सोचा खाने पीने को खा लेते हैं। तो फिलहाल खाने पीने आए हैं यहाँ पे समोसे छोले, मैं तो कुलचा छोला खाऊंगा भाई। आप क्या फाइनली गाइस, ये रहे अपने सीट कवर लग रहे हैं, जब लग जाएंगे फिर दिखाऊंगा मैं आपको। ट्विन सिलेंडर यहाँ पे है, ये देखो दिख रहे हैं नीचे ट्विन सिलेंडर, गैस के चूल्हे, ये रहे अपने दो सिलेंडर। मैं कच्चा पहनता हूँ तो सिलेंडर लगते, ओ सॉरी सिलेंडर पर सीट कवर लग जाएंगे, उसके बाद दिखाऊंगा आपको। बाकी मैट भी लगवा रहा हूँ मैं, मैट भी सही रहेगा, मैं सोचा साथ के साथ मैट भी लगवा लूँ, सीट कवर और मैट दोनों लग जाएगा, काम खत्म, उसका टेंशन फ्री। बाकी अभी लग जाएंगे उसके बाद मैं बता दूंगा आपको क्या है। गाइस फाइनली गगन भी आ गया यहाँ पे, ये कहाँ जा रहा है गाड़ी लगाने? ऑल राइट गाइस, ऑलमोस्ट अपनी एमजी, मतलब कि एमजी बोल रहा हूँ मैं यार, टाटा टियागो के सीट कवर पड़ गए, ये देखो कुछ ऐसे हैं। बाकी उस साइड के भी पड़ गए पीछे के, अभी डाल रहे हैं सीट कवर, ये चेक कर लो। बाकी अभी वो मैट भी लगवाना है, देखो बिना मैट के गाड़ी कितनी गंदी होगी, बिना मैट के पूरी मिट्टी मिट्टी होगी, बट सीट कवर लगा के अच्छे लग रहे गाड़ी वैसे। फाइनली मैट का काम भी हो गया, मैट भी लगवा लिए, सीट कवर भी लगा लिए, चेक करो भाई क्या बढ़िया लग रही है सीट कवर। ये पीछे की सीट कवर, ये देखो पीछे के मैट देखो, 70 मैट लगाए हैं, ये बढ़िया होते हैं। तो एक बार अंदर बैठ के भी देख लेता मैं, चेक कर लेता पूरा कम्फर्टेबल हो, मैट बढ़िया लग रहे हैं जो भी है, आराम से इसको आराम से निकाल के भी रख सकता हूँ। बाकी सीट कवर भी चेक कर लो, बढ़िया ही लग रहे हैं। बाकी चलते हैं अब घर, बहुत टाइम हो गया यार, सवेरे से निकले हुए टाइम 5 बज गया भयंकर की। एक तो एजेंसी से काम करा है वो, बाकी अब चलते हैं सीधा घर, घर में मिलता हूँ आपको। फिलहाल अभी सीट कवर पुआ के आ गया अपन, तो ये देखो सीट कवर पीछे है मेरे, जो भी हैं देख लिया होगा आपने। फिलहाल अभी जा रहे हैं अपन सीएनजी पुआने, क्योंकि इसमें सीएनजी आने, अभी पेट्रोल में चल रही है गाड़ी सीएनजी। ये देखो मैं टैप कर रहा हूँ, बट ये देखो सीएनजी नहीं है तो पेट्रोल में चल रही है अभी गाड़ी। तो अभी जाता हूँ सबसे पहले सीएनजी उसकी फुल कराते हैं टंकी, उसके बाद चलते हैं। एवरेज बहुत कम दे रही है यार, 143 चली है भयंकर के पेट्रोल में, भयंकर के सीएनजी में, सॉरी सीएनजी में 143 चली है, तो नवी नवी है शायद इस करके एवरेज कम देती होगी, बट अभी पता नहीं। अभी चलते हैं यहाँ से सीएनजी पाने, फिर देखते हैं। तब तक गगन का वेट कर रहा हूँ, गगन अभी आ रहा है पीछे, पता नहीं कहाँ गया, शीशे में देखूंगा उसको, जैसे वो आएगा वहाँ से सीधा। सुनो मुन्नू उधर बैठ गया, वो देखो दांत खोल के हंस रहा है, तू बॉडी बना हाथ से करके। गाइस यहाँ पे खड़ी अपनी हंटर, ओए हंटर का नाम क्या रखा है? सर्कल। हाँ सर्कल, हंटर का नाम सर्कल है। सो गाइस इसका नाम हमने रखा सर्कल, और ये हमारी MT 15 और तीसरी हमारी NS, तीनों बाइक यहीं पे ही है, क्या मस्त लग रही है यार।